नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज मैं आपको धन ऐप के बारे में कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं, कुछ डिफरेंसेस बताने वाला हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दो तरीके के धन एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। एक यहां पे आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और एक आपको दिखाई दे रहा है पर्पल कलर में। ये दोनों एप्लीकेशन एक ही तरीके से, एक ही लॉगिन से, एक ही पिन नंबर से आप इसको साइन इन कर सकते हो। आपको कोई भी यहाँ पे दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है और उसी पासवर्ड से, उसी पिन नंबर से आप दोनों में लॉगिन कर सकते हो। पहले तो ये आपको जान लेना है। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या डिफरेंसेस है और किस तरीके से ये दोनों एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से काम करती है। पहला तो ये ग्रीन वाला एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यूज़ करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे इक्विटी करते हो, तो आपको ये ग्रीन वाला एप्लीकेशन यूज़ करना है होल्डिंग पर्पस के लिए। और ये जो पर्पल कलर का ऐप आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज के लिए बनाया गया है, या फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, हेजिंग आपको करना है, तो आप ये पर्पल कलर का ऐप यूज़ कर सकते हो। फिर एक बात बताता हूँ कि दोनों एप्लीकेशन एक ही पिन नंबर से, एक ही पासवर्ड से ओपन होते हैं। तो आइए देखते हैं डिफरेंसेस एक साथ दोनों एप्लीकेशन में क्या क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पिन नंबर हमें एंटर करना है। अब दोनों जगह पे यहाँ पे आपको सेम पिन नंबर एंटर करना है। जिस भी पिन नंबर से आप लॉगिन करते हो या जिस भी पासवर्ड से आप लॉगिन करते हो, वो सेम आपको यहाँ पे दोनों जगह पे एंटर कर रहा है। उसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लॉगिन हमने यहाँ पे कर दिया है। मेरे लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट का एप्लीकेशन है और मेरे राइट साइड में जो एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाया गया एप्लीकेशन हमें दिखाई देता है। अब डिफरेंसेस कहाँ पे है, बाकी सारी चीज़ें आप देखोगे तो सारी एक जैसी दिखाई देगी आपको। जैसे कि होम में आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाई देगी, जैसे कि ETF हो गया या फिर आपको ने कोई स्टॉक यहाँ पे ऐड किया है, इक्विटीज़ के बारे में पता चलेगा। वॉच लिस्ट आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ होम में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आपको क्या दिखाई देंगे, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी के बारे में यहाँ पे और बैंक निफ्टी के बारे में बताया गया है और उसके इंडाइसेस सामने हैं आपके। उसके साथ साथ ही जो भी फास्ट डिस्कवरी फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन है, जैसे कि निफ्टी ऑप्शन है, बैंक निफ्टी ऑप्शन है, OI गेनर्स, OI लूजर्स, प्राइस गेनर, प्राइस लूजर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है जो कि आपको होम बटन में दिखाई देती है, डैशबोर्ड पे आपको दिखाई देती है। जो इन्वेस्टमेंट का ऐप है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। होम बटन यहाँ पे आपको सिर्फ कमोडिटीज़ के बारे में, करेंसीज़ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, ETFs के बारे में और इक्विटीज़ के बारे में बताता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक पैसे ऐड करने के लिए टॉपअप जैसा बटन दिया है, यहाँ से आप डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हो। उसके नीचे स्क्रॉल करके आप देखोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये एक नया एप्लीकेशन डाउनलोड का उनका एक एडवर्टाइज आ जाता है और मार्केट वॉच में आपको मार्केट मूवर्स दिखाई देते हैं, जो भी स्टॉक अप हो रहा है या फिर डाउन हो रहा है, जो टॉप मूवर्स या फिर टॉप गेनर्स या फिर टॉप लूजर है वो आपको इन्वेस्टमेंट ऐप में दिखाई देते हैं। वही अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के ऐप में देखोगे तो जो भी टॉप लूजर और टॉप मूवर्स है ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई गई हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है जो डैशबोर्ड में होम पेज पे आपको दिखाई देता है। दूसरा जो है वो यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के ऐप के ऊपर, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐप है वहाँ पे पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। पोर्टफोलियो क्यों है थोड़ा सा ओपन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक का अलग से देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में कितना अलोकेशन है और कितने परसेंट वो बढ़ रहा है। ETF अगर आपने लिया है तो वो आपको यहाँ पे डिफरेंट दिखाई देता है, अलग से दिखाई देता है। उसके साथ साथ धन ऐप के अकाउंट में आपका कितना पैसा है, अगर आप यहाँ से ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, और स्मॉल केस अगर आपने खरीदा है तो स्मॉल केस में आपका डिफरेंट अलोकेशन दिखाई देता है। वही अगर हम ट्रेडिंग की एप्लीकेशन पे जाए तो यहाँ पे पोजीशंस आपको दिखाई देती है और इस पोजीशंस में आपको क्या दिखाई देगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखाई देती है, जो है पोजीशंस में आपको ओवरऑल अगर आपने कोई ऑप्शन खरीदा है, कोई फ्यूचर खरीदा है, कोई स्टॉक ऑप्शन खरीदा है या फिर कोई हेजिंग की पोजीशन बनाई है, तो वो पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और उसके साथ साथ आपको न्यू पोजीशंस अगर बनानी होगी, प्लेस ऑर्डर करनी है प्ले वॉचलिस्ट से, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो होल्डिंग्स आपको दिखाई देता है, जो भी होल्डिंग्स में स्टॉक है वो यहाँ पे भी दिखाई देंगे। मार्जिन अगर आप ले रहे हो तो कितना मार्जिन होगा या फिर फंड आपको ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन में दिखाई देगी जो कि ऑप्शन का है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा
स्टॉक का अलग से ऑप्शन, ETF का अलग से ऑप्शन, पोजीशन का अलग से ऑप्शन और फंड का अलग से ऑप्शन दिखाई देगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्मॉल केस का अलग सा ऑप्शन। तो जो भी डिफरेंशिएट किया है इन्होंने अलग अलग तरीके से, तो आप अलग अलग एलोकेशंस यहाँ पे देख सकते हैं कितना कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और अब आते हैं सबसे मेन डिफरेंस पे। मेन डिफरेंस इनका है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मनी का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो इन्वेस्टमेंट का एप्लीकेशन है, और जो ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है, ऑप्शन ट्रेडिंग का एप्लीकेशन है, वहाँ पे आइडियाज़ दिए गए हैं। तो जो डिफरेंस है सबसे बड़ा वो यहाँ पे है। मनी के ऑप्शन में आप जाओगे तो आप यहाँ पे डिविडेंड के बारे में देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट में फंड ऐड के बारे में देख सकते हो, रेफरल के बारे में देख सकते हो, IPO के बारे में देख सकते हो, और आपकी बैंक कौन सी ऐड है या फिर कई नई बैंक आपको ऐड करनी है तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप आइडियाज़ में जाते हो, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको आउटलुक, स्ट्रैटर्जी, स्कैन, स्क्रीनर, चेन और एनालिसिस ऐसे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब आउटलुक में आपको क्या पता चलता है, जो भी आप ऑप्शन में स्ट्रैटर्जी बनाना चाहते हो, जैसे कि निफ्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो निफ्टी के अगर आपको स्ट्रैटर्जीज बनानी है, कोई स्प्रेड आपको बनाना है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके नीचे आउटलुक में आपको क्या दिया है, आप एक आउटलुक सेट कर सकते हो। निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, एक्सपायरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपका प्रिडिक्शन आपको यहाँ पे बताना है, अगर निफ्टी 15,772 से ऊपर जाने वाला है तो कितनी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आएंगी, ये आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फाइंड ट्रेड अपॉर्चुनिटीज में अगर जाऊँगा तो लगभग निफ्टी में 150 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे पता चलेगी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज की तरह। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, रेशियो कॉल स्प्रेड फॉर 23rd June, रेशियो कॉल स्प्रेड फॉर 23rd June, अलग अलग जो स्ट्राइक प्राइजेस है उसके ऊपर कैसे कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, ऐसे 150 अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल रही है। किसी के ऊपर भी आप ओपन कर सकते हो, यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो, बास्केट तैयार कर सकते हो। अगर आप 2-3 स्ट्रेटजी एक साथ बनाना चाहते हो तो बास्केट आप क्रिएट कर सकते हो, और यही से आपको अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एनालाइज में जाके देखते हैं किस तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप ट्रेड के बारे में देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और इसका पे ऑफ चार्ट भी देख सकते हो। पे ऑफ चार्ट में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है और कहाँ पे मुझे नुकसान होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। एनालाइज में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट की है मेरे प्रॉफिट की, प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा, ये जो आप सेंसिबल में देखते थे, बहुत सारे लोग सेंसिबल या ऑप्ट्रा ऑप्शन ट्रेडर का ही कोई ऑप्शन ट्रेडिंग की वेबसाइट होती है ऑप्ट्रा करके, वहाँ पे देखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक ही एप्लीकेशन में दिखाई देगी, और यही से आप बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए ये एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हो, और ये जो स्ट्रैटर्जीज़ है आप बना सकते हो। स्ट्रैटर्जीज में जाओगे तो आप खुद की स्ट्रैटर्जीज भी यहाँ पे बना सकते हो, या फिर आपको बनी बनाई स्ट्रैटर्जीज भी यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड हो गया, शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, बेयर पुट स्ट्रेड हो गया, या फिर नीचे आप जाओगे तो शॉर्ट स्ट्रैंगल हो गया, आयन बटरफ्लाई हो गया, आयन कॉन्डोर हो गया, तो बहुत सारी जो स्ट्रैटर्जीज ऑप्शन में बनती है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली बनी बनाई मिल जाएगी, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको मेहनत करनी है तो आप आपकी ऑप्शन स्ट्रैटर्जी यहाँ पे बना सकते हो और वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। अलग अलग स्टॉक के लिए, अलग अलग इंडाइसेस के लिए आप यहाँ पे स्ट्रैटर्जीज बना सकते हो। उसके बाद स्कैन में आप जाके देखोगे तो ट्रेंड के अनुसार आपको यहाँ पे ट्रेडिंग ऑप्शन के कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे कि स्कैनर आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे बुलिश ट्रेंड के स्कैनर मिल जाएंगे, तो इन द मनी वाले ऑप्शंस कौन से अभी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कौन से पुट यूज़ कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी के कौन से यहाँ पे आप पुट यूज़ कर सकते हो या फिर कॉल यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। स्क्रीनर, आप स्क्रीनर में जाओगे तो आपको वॉल्यूम गेनर्स कौन कौन से कॉल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे स्टॉक नहीं है, उस पर्टिकुलर स्टॉक के कौन से ऑप्शंस मोस्ट वॉल्यूम गेन कर रहे हैं, मोस्ट एक्टिव कौन से ऑप्शंस है, OI गेनर्स कौन से है, OI लूजर कौन से है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, जो कि अक्सर हम देखते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक में हम वॉल्यूम गेनर स्टॉक कौन से है या फिर 52 वीक्स हाई वाले स्टॉक कौन से है, ये सारी चीज़ें पता चलती है, वो स्क्रीनर में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के बारे में पता चलेगा। फिर यहाँ पे चेन आप देख सकते हो, ऑप्शन चेन, निफ्टी के ऑप्शन चेन आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक्सपायरीज पे आप ऑप्शन चेन्स देख सकते हो, तो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मेन डिफरेंस यहाँ पे आइडियाज़ में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बनने में या फिर ऑप्शन ट्रेडर बनने में मदद कर सकता है। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग करते हो तो ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन अलग से इन्होंने डेवलप किया है। आपका
इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो अलग से आप बना सकते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटर्जी के साथ आप अलग से यहाँ पे जो स्ट्रैटर्जीज है बना सकते हो और वहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सो ये था दोनों में डिफरेंस, और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें अलग की गई है। और अगर आपने अभी तक धन ऐप में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको यूज़ करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो और जो करंट बेनिफिट है उसका लाभ उठा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।